अगर आप भी अपने स्मार्टफोन के 2 मेगापिक्सल के कैमरा से बोर हो गए हो तो गाइस ये है DSLR का लेंस और ये है कि स्मार्टफोन का लेंस। अभी 8x यूज करते हैं और देखते हैं। भैया लेंस हटा देना वहां से, 0.45 अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। ऑलराइट गाइस, अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन सिर्फ कैमरे की वजह से अपग्रेड करते हो तो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लो, आपका पैसा बचने वाला है। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ DSLR में ही अलग अलग लेंस लगाकर अच्छा पिक्चर क्लिक किया जा सकता है तो आप कहीं ना कहीं गलत हो, क्योंकि अब स्मार्टफोन का भी कैमरा इतना एडवांस हो चुका है कि वो अच्छा पिक्चर क्लिक कर सकता है। लेकिन थोड़ा और अच्छा करना है तो हल्का सा पॉकेट ढीला करना पड़ेगा और आपको बाय करना पड़ेगा स्मार्टफोन का लेंस। अब गाइस लेंस बहुत ही अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो मैंने यहाँ पे 6 लेंस बाय किया ताकि आइडिया लग पाए कि कौन सा लेंस कितना बढ़िया है। और इतना ही नहीं गाइस, यहाँ पे मैं सस्ता लेंस भी ट्राई किया हूँ और महंगा लेंस भी ट्राई किया हूँ ताकि आइडिया लग पाए कि दोनों के पिक्चर क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। ओके, तो फर्स्ट लेंस है 199 रुपये का 3-in-1, इसमें फिश आई है, वाइड एंगल है और मैक्रो लेंस भी है और ये काफ़ी कम प्राइस पे मिल रहा था 199 रुपये पे, मैंने इसे बाय कर लिया। सेकेंड जो लेंस है गाइस ये 399 रुपये का है, 0.45x वाइड एंगल है और साथ में मैक्रो भी है और इसका प्राइस 400 रुपये बस। अब जो थर्ड लेंस है ये 1080 रुपये का है, सिग्नी 20x मैक्रो लेंस है और इसका क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छा दिख रहा था तो मैंने इसे बाय कर लिया। अब गाइस जो फोर्थ लेंस है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 8x जूम कर देता है और पीछे मस्त बैकग्राउंड वगैरह ब्लर हो जाता है जो काफ़ी अच्छा दिखता है, इससे वीडियो वगैरह भी काफ़ी अच्छा बनता है। पहले जो टिकटॉक में आप देखते थे ना पीछे बैकग्राउंड ब्लर, अभी इंस्टाग्राम पे भी है रील में, बट चलो इसे हम ट्राई करेंगे, देखते कितना अच्छा होता है। फिफ्थ जो लेंस है ये 1590 रुपये का है। अब जो 1590 रुपये का लेंस है ये एडकॉम का 5-in-1 लेंस है, इसमें 5 लेंस मिलता है जस्ट एक में, तो ये काफ़ी अच्छा डील था तो मैंने इसे बाय कर लिया। अब जो सिक्स्थ लेंस है वो 2070 रुपये का है, सिग्नी प्रो 2 और इसका क्वालिटी बहुत ही तगड़ा दिख रहा था और रिव्यू सेक्शन में मैं देखा और इसके बाद इसके इंस्टाग्राम पे भी जाकर मैंने देखा तो पिक्चर वगैरह काफ़ी अच्छा आ रहा था इस लेंस से। और गाइस एक चीज ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं आपको बता दूं, ये वीडियो कोई भी लेंस ब्रांड स्पॉन्सर नहीं किया है और गाइस ये सभी लेंस मैंने ऑर्डर कर लिया था और ये मेरे पास आ भी गए हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस पूरे वीडियो में मैं ट्राई कर रहा हूं गूगल पिक्सल 3 का कैमरा और ये फोन मैंने रिफर्बिश्ड बाय किया था 10,000 रुपये में और इसमें बस एक ही कैमरा है, कोई भी टेलीफोटो नहीं है, कोई भी वाइड एंगल कैमरा यहाँ पे नहीं है, जस्ट सिंगल कैमरा है और इसी से हम पिक्चर क्लिक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेंस से जो सबसे सस्ता है, 200 रुपये का लेंस। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा पाउच है और इसमें हमारा लेंस रखा हुआ है, ये लगाने के लिए है। गाइस क्वालिटी तो पूरा मेटल का है यहाँ पे और इसमें 2 लगा हुआ है और यहाँ पे एक है लेंस और इसे जस्ट क्लिप में फिट करना है और फिर आपको अपने कैमरे के पीछे लगाना है, तो इसे आप बढ़िया से लगाना ताकि सेंटर में रहे, तभी जाकर पिक्चर क्वालिटी अच्छा आएगा और आपको राउंड में कोई भी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से लगाना कैमरे में। तो गाइस सबसे पहले मैक्रो लेंस लगाते हैं इसमें एंड पिक्चर निकालते हैं मैक्रो से। ऐसे आप 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा आपको देखने को मिलता है नॉर्मली सभी स्मार्टफोन में, अभी इसका क्वालिटी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये हमारा सबसे सस्ता मैक्रो लेंस, तो चलो देखते हैं इससे कितना अच्छा पिक्चर हम निकाल सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो ये 200 रुपये का मैक्रो लेंस एंड यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी देखो और डिटेल्स देखो आप मैक्रो में किस तरह से कैप्चर कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे कुछ पिक्चर सिंपल देखो, इससे आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल पाएगा। OMG, बिलीव नहीं हो रहा है इतना अच्छा पिक्चर आ सकता है। तो गाइस ये जो सैंपल आप देख रहे हो ये 200 रुपये का अल्ट्रा वाइड वाला लेंस एंड यहाँ पे इसे हम निकाल कर दिखाते हैं क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली ये जो लेंस है ये थोड़ा सा गंदा है, इसके वजह से ऐसा कुछ हो रहा है एंड ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो वाइड एंगल व्यू देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा आप देख सकते हो थोड़ा सा वाइड हो रखा है बट क्वालिटी मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है इसका। ऐसे आप यहाँ पे कुछ इसका पिक्चर सैंपल देखो, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह का पिक्चर हम ले सकते हैं इस लेंस का यूज़ करके। गुड। और गाइस ये जो सैंपल आप देख रहे हो ये हमारा सस्ता वाला लेंस का फिश आई एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको व्यू वगैरह देखने को मिलेगा एंड डेफिनेटली यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी गंदा आ रहा है। ये जो लेंस है सच बताऊँ तो अंदर से गंदा है, इसकी वजह से ऐसा आ रहा है। ऐसे आप एरिया देख सकते हो कितना कवर कर रहा है एंड आप देख लो बिना लगाए हुए कुछ ऐसा आता है और लगाने के बाद आपको पता ही कैसा है। ऐसा आप कुछ पिक्चर सैंपल देखो जिससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। तो टाइम आ गया है सेकेंड लेंस का। तो देखो ये है 0.45x लेंस जिसमें आपको वाइड एंगल और साथ में मैक्रो लेंस दोनों देखने को मिलता है, तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं डब्बा है और डब्बा के अंदर पाउच है और पाउच के गाइस ये तो DSLR का लेंस लग रहा है, इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस लिखा हुआ है और साथ में मैक्रो है। तो गाइस मेरे हाथ में ये जो देख रहे हो ये है DSLR का किट लेंस और ये है स्मार्टफोन का लेंस। यहाँ पे साइज देखो एक बार,
हाँ ये ऑफ कोर्स थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये भी अपने हिसाब से छोटा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा लेंस लग रहा है। और लिटरली यहाँ बिल्ड क्वालिटी पूरा मेटल का दिया गया है, जैसे एक DSLR लेंस का होता है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया है, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था 400 रुपये का ऐसा क्वालिटी में हमारे पास लेंस आएगा। तो देखो लगाने का सबसे आसान विधि है, जस्ट इस क्लिप को ऐसे करना है और ये जो होल दिख रहा है ये आपको कैमरे से पूरा मिलाकर ऐसे लॉक कर देना है। तो अब आपके स्मार्टफोन का कैमरा बन गया अल्ट्रा वाइड और साथ में मैक्रो। तो चलो पिक्चर लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी बिना लेंस से। तो यहाँ पर जो लेंस लगाने वाले हैं ये अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो लेंस, और ये हमारा सस्ता वाला लेंस है। तो चलो इसे लगाकर देखते हैं कितना हमें यहाँ वाइड एंगल व्यू देखने को मिलता है। तो गाइस कुछ इतना आपको वाइड एंगल व्यू देखने को मिलेगा इस लेंस से। तो गाइस यहाँ पर लेंस लगाने के बाद कुछ इतना आपको डिटेल्स देखने को मिलेगा, और मैक्रो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से ले रहा है एंड काफ़ी अच्छा पिक्चर आ रहा है इस लेंस से भी। तो गाइस टाइम आ गया थर्ड लेंस का। तो ये हमारे पास स्काईविक का सिग्नी एक्स मैक्रो लेंस। अब देखो जो स्काईविक है एक वेल नोन ब्रांड है, स्मार्टफोन लेंस वगैरह बनाता है ये, और इसका क्वालिटी वगैरह और लेंस से बेटर होता है। ऐसे मैं इसको प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ अच्छा लेंस ये ब्रांड बनाती है। और बॉक्स भी आप देख सकते हो, डब्बा के अंदर डब्बा फिर एक डब्बा, बहुत सारा पुस्तकें, सभी का कोई काम नहीं है। और ये देखो कितना अच्छा पाउच दिया गया है, ये बॉक्स है एक्चुअली। और यहाँ पे हमारा लेंस रखा गया है, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक है, साथ में यहाँ पे कैरी पाउच भी है, और भी चीजें हैं जैसे इसे आप चाहो तो लटका भी सकते हो कहीं पे भी, मतलब बैग वगैरह में। और इसके बाद एक क्लीनिंग क्लॉथ भी है। तो देख रहे हो थोड़ा पैसा खर्च करोगे तो चीजें अच्छी मिल जाते हैं। ओके तो ये सिग्नी मैक्रो लेंस जो 25mm पे बेस्ड है, तो इसे भी जस्ट क्या करना है, बस ऐसे करना है, लगा देना है और कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। चलो अब इससे फोटो लेते हैं एंड देखते हैं इस लेंस का क्वालिटी कितना बेटर है। तो गाइस ये जो फुटेज आप देख रहे हो ये बिना लेंस से, एंड यहाँ पे यूज करने वाले हैं स्काईविक का जो 25mm हमारे पास है, इससे अभी कुछ पिक्चर लेकर देखते हैं किस तरह क्वालिटी आता है। तो गाइस यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हो काफी अच्छा निकल कर आ रहा है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ जो महंगे महंगे फ्लैक्सी फोन आता है उससे अच्छा मैक्रो फोटो आ रहा है। चलो कुछ और भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। OMG क्या डिटेल्स आ रहा है। तो गाइस इससे कुछ फोटो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका सिंपल आप देखो और आप बताओ कि कैसा आपको लग रहा है। एक यहाँ पे स्पाइडर मुझे दिख रहा है, ओ भाग गया। तो गाइस चौथा जो लेंस है हमारे पास ये है एडकॉम की तरफ से आता है, ये भी एक अच्छा खासा ब्रांड है जो स्मार्टफोन के लिए लेंस बनाती है, और ये टेलीफोटो लेंस है 8x। क्वालिटी यहाँ पे ऑफ कोर्स ये प्लास्टिक का है, ऊपर की तरफ कैप लगा हुआ है, और इसे आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से फोकस वगैरह। एंड यहाँ पर मैं जैसा देख पा रहा हूँ ये कॉपर का है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें लग जाएगा। और यहाँ पे सारा रबर पैड है जिससे आपके स्मार्टफोन के कैमरे के साथ ये अच्छे तरीके से चिपका रहेगा। अगर आप उसे चिपकना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन पर टैप करके उसे ग्रे कर दो, हम आपसे जुड़े रहेंगे और आप हमसे। इसमें भी साफ करने के लिए कपड़ा दिया गया है, और ऊपर से भी आप चाहो तो इस तरह से प्लास्टिक का कैप लगा सकते हो जिससे आपका जो लेंस का ग्लास है वो खराब नहीं होगा। और इसे भी लगाने का सिंपल सा विधि है, बस ऐसे करके लगा देना है। बट प्रॉब्लम ये है कि टेलीफोटो लेंस यूज करने के लिए आपको एक स्टेबल जगह पे रहना होगा, या आपको अपने हाथों को बढ़िया से स्टेबल करना पड़ेगा, और नहीं तो ट्राइपोड यूज कर लेना, ज्यादा अच्छा पिक्चर और वीडियो आप निकाल पाओगे। ऐसे मैं आपको बोलूंगा कि आप इसे ट्राइपोड में लगाकर यूज करना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शेक करता रहता है, थोड़ा सा भी हिलेगा तो फोकस सीधा उधर हो जाएगा। तो इसे बढ़िया से स्टेबल जगह पे रख के फिर धमाल मचाओ। तो चलिए आउटडोर में इसका कुछ टेस्टिंग करते हैं, इसका क्वालिटी कैसा है। ओके तो गाइस ये जो सैंपल देख रहे हो ये बिना लेंस से। तो गाइस यहाँ पे अभी हम यूज करने वाले हैं एडकॉम का 8x लेंस, एंड देखते हैं किस तरह से यहाँ पे पिक्चर आता है। और गाइस एक चीज और आपको दिखा देता हूँ, अगर इसे हम फुल जूम करते हैं तो कुछ इस तरह क्वालिटी यहाँ पे निकल कर आ रहा है। अभी 8x यूज करते हैं और देखते हैं कितना अच्छा क्वालिटी हमें देखने को मिलता है। तो गाइस ये जो अभी आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो ये 8x है, एंड यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हो। ये जर्क इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके लिए हमें ट्राइपॉड यूज करना बहुत ही जरूरी है। एंड यहाँ पे क्वालिटी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा आ रहा है, और अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी यहाँ पे पिक्सलेट नहीं हो रहा है कोई भी चीज़, और काफ़ी अच्छा आ रहा है। और गाइस कॉर्नर में आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकता है। एंड चलो यहाँ पे कुछ पिक्चर सैंपल देखो जो मैं इसी लेंस को यूज करके लेने वाला हूँ। तो गाइस अब जो अगला लेंस है ये हमारा 5-in-1 लेंस होने वाला है, जो 5 तरह का लेंस
आपको एक ही जगह मिल जाता है। इसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से एक बैग दिया गया है एंड इसके बाद बहुत सारे पुस्तकें हैं, सभी को साइड करते हैं। और ये देखो, ये आप चाहो तो अपने बैग वगैरह में लटका सकते हो या कहीं पे भी लटका सकते हो। इस तरह से जेब खोलो और यहाँ पे एक क्लीनिंग क्लॉथ और इसके बाद एक माउंट है और इसका क्वालिटी भी अच्छा लग रहा है। और गाइस यहाँ पे हमारा चार लेंस रखा हुआ है और जो अल्ट्रा वाइड होगा और जो मैक्रो होगा वो सेम एक ही में होगा, जस्ट उसे हमें निकालना पड़ेगा अपने से। तो 1, 2, 3, 4 पांच लेंस एक जगह और इसका जो प्राइस है 1590 रुपया है। तो चलो अब इसे लगाते हैं और बढ़िया बढ़िया पिक्चर क्लिक करते हैं और देखते हैं कैसा क्वालिटी आता है इस लेंस से। ये जो रिकॉर्डिंग है ये हो रहा है बिना लेंस से एंड यहाँ पे यूज करने वाले हैं एडकॉम का 5-in-1 लेंस। अभी जो पहला लेंस मैं यूज कर रहा हूँ ये है मैक्रो लेंस एडकॉम का, तो चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं किस तरह का फोटो हम निकाल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एडकॉम का मैक्रो लेंस एंड कुछ इस तरह का यहाँ पे आ रहा है। चलो यहाँ पे कुछ आप फोटो सैंपल देखो, फिर आपको आइडिया लगेगा इससे फोटो कैसा निकल कर आता है। अभी यहाँ पे यूज करने वाले हैं एडकॉम का सेकेंड लेंस, एडकॉम का फिश आई लेंस यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे फिश आई लगाने के बाद कुछ इस तरह का आपको व्यू देखने को मिलेगा। तो चलो इससे कुछ पिक्चर लेते हैं एंड यहाँ पे आप सैंपल देखो, आपको आइडिया लगेगा किस तरह का फोटो आ सकता है इस लेंस को यूज करके। गाइस यहाँ पर अभी लगाने वाले हैं एडकॉम का 2x लेंस, चलो देखते हैं किस तरह का पिक्चर आता है इसे। 2x लगाने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा तो जूम हो गया है लेकिन बिल्कुल ही पिक्सल नहीं यहाँ पिक्सलेट हुआ है। अब यहाँ पे यूज करने वाले हैं एडकॉम का वाइड एंगल लेंस। तो गाइस कुछ आपको इतना वाइड एंगल व्यू देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे पिक्चर्स आपको ज्यादा अच्छा आइडिया लग पाएगा। तो चलो पिक्चर आप देखो कुछ जो हम इस लेंस का यूज करके क्लिक किए हैं। अब एडकॉम का CPL लेंस यूज कर रहा हूं मैं एंड चलो लेंस हटाकर आपको दिखाते हैं किस तरह का व्यू आपको देखने को मिलता है। गाइस एज सच मुझे तो कुछ डिफरेंट देखने को नहीं मिला है। अगर गाइस आपको पता है कि CPL मोबाइल फोन लेंस किस लिए यूज किया जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ऐसे मुझे तो कुछ ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। तो गाइस पांच लेंस मैंने आपको दिखा दिया, अब है ये लास्ट लेंस और इसका जो प्राइस है ये 2070 रुपये का है और इसमें काफ़ी ज़्यादा वेट भी है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि एक स्मार्टफोन का लेंस हो सकता है इसमें, मतलब इतना अच्छा बॉक्स पैकिंग। वाह, पुस्तकें, इस सभी को साइड करते हैं। वो तो गाइस क्लीनिंग क्लॉथ है और एक यहाँ पे हुक है। तो गाइस ये है DSLR का लेंस जो कुछ ऐसा दिख रहा है और ये है कि स्मार्टफोन का लेंस आप यहाँ पे देख सकते हो साइड बाय साइड। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक स्मार्टफोन का लेंस हो सकता है? गाइस लिटरली होता हूँ, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये एक वाइड एंगल लेंस है और 15x इसका मैक्रो लेंस है, तो काफ़ी तगड़ा फोटो ये निकाल सकता है। तो गाइस मैंने आपको जो सेकेंड नंबर पर दिखाया था 400 रुपये का लेंस 0.45x, उसी का ये महंगा वाला वर्जन है जो आपको स्काईविक में देखने को मिलता है और ये 400 रुपये का है और ये 2070 रुपये के अराउंड का है। और यहाँ पे देख सकते हो दोनों का क्वालिटी वगैरह, दोनों का बिल्ड मेटल का ही है बट क्वालिटी में डेफिनेटली कुछ तो अंतर देखने को मिलेगा। तो चलो स्मार्टफोन में लगाया जाए और बाहर चल के मस्त मस्त पिक्चर क्लिक किया जाए। ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो ये है बिना लेंस से। अभी जो यहाँ पे लेंस लगा रहे हैं ये स्काईबिक 0.45x वाइड एंगल लेंस। तो ये यहाँ पे लेंस लगाने के बाद और यहाँ पे आप देख सकते हो वाइड एंगल व्यू कितना आपको देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे लगाने वाले हैं इसी का मैक्रो लेंस एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का भी आ रहा है बिना लेंस से। अभी यहाँ पे मैक्रो लेंस लगाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा अभी यहाँ पे डिटेल्स में आपको मैक्रो में सारी चीज देखने को मिल रहा है। तो फाइनली गाइस बात करें मुद्दे की, क्या आपको स्मार्टफोन के लिए लेंस बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो मैंने आपको एक एक लेंस के बारे में सभी चीज बता दिया, सस्ते वाले लेंस का पिक्चर क्वालिटी कैसा आता है और महंगे वाले लेंस का पिक्चर क्वालिटी कैसा था, ये सब मैंने आपको दिखा दिया है। तो गाइस मेरे समझ से स्मार्टफोन के लिए लेंस बाय करना एक सही डिसीजन है। अगर आप भी अपने स्मार्टफोन के 2 मेगापिक्सल के कैमरा से बोर हो गए हो, वो जो मैक्रो फोटो लेते हैं ना या वो ब्लर वगैरह कर देता है, अगर उस सबसे बोर हो गए हो तो ये 200 रुपये वाला भी अगर आप लेंस बाय कर लेते हो तो मैक्रो फोटो काफी अच्छा निकाल कर दे देगा। और थोड़ा ज्यादा पैसा लगाओगे तो 1000 रुपये में तो मस्त फोटो आना ही आना है। और टेलीफोटो लेंस भी काफी अच्छा पिक्चर क्लिक कर रहा था। और गाइस इसे हम कैसे बोल सकते हैं जो अभी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो खतरनाक वीडियो निकालता है। तो ये सब काफी अच्छा ऑप्शन है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, सभी लेंस का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चाहो तो बाय कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मानो कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और आपको इस तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज इन्वेंशन डिस्ट्रॉय को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। मिलता हूं आपसे डिस्ट्रिक्ट में, तब तक गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।
भैया लेंस हटा देना वहाँ से, 0.45 अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। तो गाइस ये था एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा रहता है।